हेलो यूट्यूब, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर, सब जीरो पर, वेलकम। तो आज दिन की शुरुआत हुई है कुछ अच्छे सुहाने मौसम से और मेरी गुड़िया रानी भी उठ गई है। गुड मॉर्निंग जिज्जू, मॉर्निंग जे कहाँ कर लो, ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं, कुछ ही हो गई है आपकी। छुन्ना दुद्दू मॉर्निंग, दुद्दू मॉर्निंग, ये गुच्छा हुआ लेता है लड़का। दुद्दू मॉर्निंग, अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, मौसम दिखाती हूँ। हवाएं, तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। और यहाँ पर हर तीसरे दिन दूसरे दिन बरसात हो ही रहती है, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दूर नज़र आ रहा होगा, ये देखिए कितनी काली घटा छाई है। और ये कबूतर कब के मज़े कर रहे हैं एंड फटाफट से जा जा के इधर उधर से, इधर उधर से। तो मैंने यहाँ पर कपड़े फैलाए हुए हैं और कपड़े उतार लूँगी अगर बारिश आई तो उतार लेंगे। और उधर पार्क भी है, बच्चों का पार्क है। अभी मेरी गुड़िया रानी आवाज़ें लगा रही है, मम्मा मम्मा लाडू, गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग नहीं करते हो, आप गंदे बच्चे हो। मैंने पूछा आप गंदे बच्चे हो, आप गंदे बच्चे हो, नहीं तो फिर गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं, बातें करती है और अगर कुछ चीज़ इसे इधर उधर रखी गई है तो फिर अगर मैं इसे पूछती हूँ ना कि कहाँ रखी है, कल मैंने इससे पूछा कि मैंने इसको एक कागज़ दिया था, मैंने कहा कहाँ है, बोली मम्मा नीचे है। हाँ, इशारे से बोला इसने कि मम्मा नीचे है, नीचे उतरना है। चलो भाई चलो नीचे जाओ। अभी ये दरवाज़ा खोल दिया था मैंने, तो इस दरवाज़े के खुलने के कारण काफ़ी बाहर से कचरा ना अंदर आ गया है। मैं दौड़ी दौड़ी फटाफट से कचरा भी फेंक के आई, बाबू सो रही थी, इसको सोती हुई को उठा के लेके गई, फिर ये रास्ते में ही उठ गई, तो इसने भी इन्जॉय किया मौसम का। ये देखो कैसे चलती है, ये अभी नया नया चलना सीखी है, चल लेती है लेकिन अभी थोड़ा चलती है, ज़्यादा नहीं। पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं? ओ माय गॉड, बाय भाभी, बाय। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अभी नाश्ते के टाइम पे। मैं गई थी रसोई में चाय बनाने के लिए सुबह सुबह, तो मैंने देखा कि पूरा दूध ख़राब हो गया 1 लीटर, और सिर्फ बाबू के लिए जो दूध लेके आते हैं हम अलग से वो सही था, और उसमें से भी उन्होंने 4-5 बजे अपने सर को चाय, 3-4 कप चाय बना के दे दी, और उसमें भी सिर्फ बाबू के लिए दूध बचा है। और मुझे चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, और आज दूध भी नहीं, तो मैंने उनको बोला तो वो बोले मेरी ड्यूटी और मुझे टाइम नहीं लगेगा। चलो देखते हैं, अगर टाइम लगा तो मैं ले आऊँगा, अदरवाइज़ तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तू बाबू के दूध में से चाय बना लियो, लेकिन मैं इसके दूध से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसको भी कई बार, ये वैसे पीती नहीं है ज़्यादा दूध, खा लेती है कुछ ऊपर से, लेकिन फिर भी बच्चे का कोई पता नहीं होता है, दूध मांगने लग जाता है, इसलिए इसके दूध से ही नहीं चाय बनाई जाएगी। तो अभी बोल रहे थे वो कि मैं आऊँगा, बट अभी आए नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उस 1 लीटर दूध का क्या किया है। मैंने इसको सोचा कि फेंकने की बजाय कुछ बना लिया जाए। ये देखिए, मैंने इससे पनीर बना लिया है, अभी निकालूंगी इसमें से पनीर। बस इसको उबाल देकर ना अच्छे से, जैसे थोड़ा सा ख़राब हुआ था ये, पूरी तरह इसको ख़राब कर दिया, तो
फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स। तो ये है आज का मेरा नाश्ता, ब्रेकफास्ट। चाय बनी नहीं थी क्योंकि पूरा दूध ख़राब हो गया था, पहले ही मैंने दिखाया था, तो आज ऐसे काम चलाना पड़ेगा। वैसे वो बोल रहे थे कि मैं लेके आऊँगा, देखते हैं लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे। अब इधर इसकी मस्ती है, ये हर एक बात का जवाब देती है मुझे। दुद्दू मिए गए, दुद्दू मिए गए, मिएंगे आप दुद्दू? चिज्जी खा लेंगे? हाँ बाय करो, फिर लूंगी, बाय करो पहले, बाय करना, करना बेटू, करना बॉय, करते मेला बेटू, गुगू गुगू। ओ ये मेरी प्यारी सी नन्नी सी बेटी, और शरारते कर रही है, ये बड़ी अच्छी करती है, जब इसे कहते मम्मो मम्मो और मुंह भी इतना अच्छा बनाती है, बहुत प्यारी लगती है, इसकी हरकतें ना बिल्कुल बड़े बच्चों वाली हैं।